दोस्त तो कहते हैं कि सफलता त्याग मांगती है। दिव्या तन्वर, जिनको आज दुनिया जानती है, आईएएस दिव्या तन्वर को कौन नहीं जानता। शुरुआत के दिनों में इनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई थी। पढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक कमरा था, उसमें भी बारिश के समय छत टपकती थी। इनकी माँ दूसरों के घर जाकर मजदूरी करती थी। इतनी समस्या होने के बावजूद भी अपनी बेटी को पढ़ाया। जब भी कभी बारिश आती थी तो किताबें भींग न जाए, जिसके लिए वो लकड़ियों के सहारे चादर बांध कर पढ़ती थी। उस समय बहुत मुश्किल था, इनके लिए ना कोई सुविधा थी और ना ही कोई व्यवस्था थी, लेकिन उनके अंदर एक जिद थी कि उन्हें कलेक्टर बनना था और अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी भी देनी थी, और इसी संकल्प ने उन्हें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। इसलिए दोस्तों, आपको भी अपने अंदर जिद पालना होगा कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। लोगों को दिखाना होगा कि मैं कर सकता हूँ। फालतू चीजों में अपना वक्त बर्बाद मत करो। आपके लिए एक एक दिन कीमती है। कभी भी ये मत कहना कि उसके पास ये है वो है इसलिए वो अच्छे से पढ़ाई करता है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों याद रखना, सिर्फ कोचिंग में पढ़ने वाले ही कामयाब नहीं होते, घर में पढ़ाई करने वाले भी कामयाब होते हैं। बस जिद होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।